The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. What is asthma? Asthma is basically एक लंग्स की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, सबसे कॉमन बीमारी है दुनिया की, सबसे कॉमन बीमारी फेफड़ों की जो बच्चों में होती है। जी हाँ, लेकिन ये अडल्ट में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। और ये क्यों होता है? इसमें जब भी होता है आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, वीजिंग होती है, सांस में प्रॉब्लम आएगी, सांस में आवाज़ आएगी। अगर आपको अस्थमा है तो ये आपको कई बार हमेशा रहेगा, मतलब हर वक्त आपको सांस में दिक्कत होने के टेंडेंसी रहेगी। ऐसा अगर हो रहा है कि कोई कोई एरिया में जाके हो रहा है तो ये करीब करीब एक तरीके की या एक सीजन में रह रहा है, एक सीजन में ठीक हो रहा है तो सीजनल अस्थमा बोलते हैं उसको। लेकिन एक काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन होता है, राइट? अस्थमा हमेशा रहता है लेकिन हमेशा अस्थमा का अटैक नहीं रहता। इन दोनों में फर्क है, अस्थमा होना और अस्थमा का अटैक, एज्मा का अटैक, ये दोनों अलग चीज होती है। और इसी के साथ हमारे इन्होंने बोल दिया कि हमारा टारगेट वेल डन हो गया है, राइट? सो ज्यादातर केसेस में अस्थमा वालों को पता ही नहीं होता कि उनको अस्थमा है। जी हाँ, क्यों? क्योंकि उनको लगता है ये तो सिर्फ एलर्जिक रिएक्शन है, वो उसको ठीक ही नहीं करना चाहते। वो ठीक कैसे करेंगे जब तक उन्हें पता ही नहीं होगा कि अस्थमा है कि नहीं है, राइट? वेरी सिंपल। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा है तो आपको अस्थमा है, राइट? सो आज हम बात करेंगे कि अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन है, तो कैसे पता होगा कि आपको अस्थमा है कि नहीं है, राइट? ठीक है, अस्थमा है कि नहीं है, देखिए अगर बच्चों के अस्थमा है तो ज़्यादातर अस्थमा शुरू होता है 5 साल की उम्र से नीचे, लेकिन बड़े में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर आपके लंग्स का चेकअप करके बता सकते हैं, एक्सरे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या फिर एक स्टेथोस्कोप, ये वाला स्टेथोस्कोप भी आपका उसमें छाती में लगा के आवाज़ सुन के हम बता सकते हैं कि आपको जो है वो अस्थमा है या नहीं। इसको हम कानों में लगाते हैं, आपका चेकअप करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि छाती में जो है वीजिंग साउंड यानी सीटी जैसी साउंड, बांसुरी जैसी साउंड नहीं आ रही, जैसे एक छोटी से बांस के अंदर से फूक मारेंगे तो फू फू आवाज आएगी, वैसी आवाज़ सांस में आती है। अगर सांस की नलियाँ सिकुड़ जाए वो अस्थमा में होता है, राइट? अस्थमा इज अ रेगुलर, बहुत कॉमन बीमारी है जो एक रेगुलर प्रॉब्लम बन जाती है कई बच्चों में जिसमें अस्थमा होता है। आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा अगर आप डॉक्टर के पास जाके एग्जामिन करेंगे, ब्रीदिंग टेस्ट, स्पायरोमेट्री जिसको हमने कहा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसमें आ जाएगा। और उसके अलावा लंबी सांस लेने में अगर दिक्कत होती है और बच्चों को अगर खेलते कूदते ज़्यादा दिक्कत होती है तो भी ऐसा हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है तो भी ऐसा हो सकता है कि वो अस्थमा हो। अटैक क्या होता है? अटैक अलग चीज़ है, अस्थमा का अटैक एक अलग चीज़ है। अस्थमा का अटैक आता है तो बच्चे को या बड़े को खांसी आएगी, जोरदार छाती में टाइटनेस आ सकता है और सांस लेने में बहुत आवाज़ आएगी, सीटी जैसी आवाज़ आने लगेगी, सांस लेने में ऐसे सीटी जैसी आवाज़ आने लगेगी, सांस लेने में ट्रबल होगा ब्रीदिंग की। अभी मैं ये सीटी वाली आवाज़ मुँह के और गले के अंदर जगह बंद करके मुंह से बना रहा हूं, लेकिन ये सांस की नली बंद होती है तो वहां से आवाज जनरेट होती है, राइट? सो ये भी आवाज आ सकती है। और ये अटैक होता है जब भी बॉडी की एयरवे, सांस ले जाने वाली नलियां जो है वो सिकुड़ जाती हैं, बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है किसी एलर्जन से, डस्ट हो, माइट हो, धूल मिट्टी हो, राइट? किसी को सीजनल कोई पोलन ग्रेन से गर्मी के सीजन्स में एलर्जिक रिएक्शंस होता है। ये जैसे ही एलर्जिक चीज़ आपके शरीर के अंदर जाती है एकदम से आपके अंदर साइटोकाइंस और वो एलर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, खप से ब्रोंकोस्पाज़म करते हैं यानी सांस की नलियों को बंद कर देते हैं और आपको हो जाता है ये प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं अस्थमा अटैक। अटैक सीवियर होके जान भी जा सकती है अगर तुरंत के तुरंत ब्रोंको डायलेटर या तो पंप ले लिया, नेबुलाइजर ले लिया, हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगवा लिए या कुछ इस तरह से नहीं किया। तो बच्चों को इसीलिए, अस्थमा वाले बच्चों को हमेशा अपने साथ में, बड़ों को हमेशा अपने साथ में वो पंप लेके चलना पड़ता है। वो एक मीटर डोर इनहेलर होता है जिसको इनहेल करके वो तुरंत खप से अपने सांस की नली में दवा ले लेते हैं जिससे कि अटैक रुकने का चांसेस ज़्यादा है, जल्दी उनके अटैक रुक जाता है। इसी के साथ अटैक प्रिवेंट करने के लिए भी आपको स्टीरॉइड दिया जाता है इनहेल करके। जी हाँ, आपको इनहेलिंग वाला स्टीरॉइड दिया जाता है जो ब्यूटेसोनाइड, फॉर्मेटरोल ऐसी दवाएं होती हैं, वो एक तरीके का स्टीरॉइड है जिससे कि आपकी बॉडी वो तरीके का रिएक्शन ना प्रोड्यूस करे उस प्रकार के किसी भी एलर्जिक सब्सटेंस के कॉन्टैक्ट में आने से, राइट? आप अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, कैसे कर सकते हैं? अगर आपको वार्निंग साइन पता चल जाए, अगर आपको अटैक के वार्निंग साइन पता चल जाए तो आप
उन चीजों से जो वार्निंग करती है, जो अटैक करती है, उन चीजों से बच के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके सिम्टम्स जैसे कि अगर आप कंट्रोल कर लेंगे अस्थमा, तो सिम्टम्स में याद रखिए आपका जो म्यूकस गाढ़ा हो जाता है, म्यूकस गाढ़ा होके प्लग कर देता है, वो नहीं होगा। तो आपको सांस में वीजिंग की साउंड, खांसी वो आनी कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आप सो बेटर पाएंगे, नींद बेटर आएगी, आप स्कूल मिस नहीं करेंगे, कॉलेज ऑफिस वर्क मिक्स नहीं करेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज कर पाएंगे और आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो एस्थमा का अटैक क्यों होता है ये समझना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा आप कैसे कंट्रोल करोगे। एस्थमा का अटैक, एज आई सेड, एस्थमा के ट्रिगर से होता है। हर एक के लिए ट्रिगर अलग होते हैं, आपको आपके ट्रिगर पहचानने होंगे और आपको अपने ट्रिगर लिख के रखने पड़ेंगे कि मुझे लगता है ये ट्रिगर है, मुझे लगता है वो ट्रिगर है। आज के डेट में ट्रिगर या एलर्जिक सब्सटेंसेस पहचानने के टेस्ट भी आ गए हैं, एलर्जी प्रोफाइल, आप वो भी करा सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि आपको किस चीज से एलर्जी है। आप एक बार ट्रिगर पता चल जाए तो उनसे आप दूर रह सकते हैं। ट्रिगर कौन से होते हैं? मोस्ट कॉमन ट्रिगर जैसे कि टोबैको स्मोक, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू का स्मोक, डस्ट, माइट्स, डस्ट के अंदर जो माइट्स है, आउटडोर का जो एयर पोल्यूशन है, जो ट्रैफिक का पोल्यूशन है, कोई कभी कभी कॉकरोच से एलर्जी होती है, कॉकरोच से, पेट से, वो पेट्स जो घर में होते हैं, बिल्ली और डॉगी, और मोल्ड्स हैं जो एसी में लग जाते हैं, इधर उधर लग जाते हैं, वेंट्स में लग जाते हैं, उनसे एलर्जी, स्मोक से एलर्जी, कोई चीज जल रही है उससे एलर्जी, कभी कभी घास से एलर्जी, कभी कभी इन्फेक्शन से हो जाते हैं एस्थमा अटैक, जैसे कि फ्लू। तो वायरल फ्लूज भी एस्थमा अटैक प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। सो ट्रीटमेंट क्या है एस्थमा का? एस्थमा का ट्रीटमेंट होता है, जब आपको सबसे पहले चीज ट्रिगर पहचान के उससे दूर रहना। जिसको अस्थमा है उसको सेम दवाई नहीं दी जाती, ऐसा नहीं कि भाई ये अस्थमा तू भी ये ले ले, तू भी ये ले ले, तू भी ये ले ले, ऐसा नहीं है। आपके कंडीशन, आपकी प्रॉब्लम, आपके एलर्जन और आपके उम्र के अनुसार आपको दवाई दी जाती है। आपके हार्ट की सिचुएशंस, आपकी धड़कन, बीपी के अनुसार दवाई दी जाती है, क्योंकि अस्थमा की दवाई के भी साइड इफेक्ट होते हैं और अस्थमा की दवाई भी लॉन्ग टर्म लेने में हार्ट रेट बढ़ना, बीपी बढ़ना, आपके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर आना, इसके साइड इफेक्ट। इसीलिए हर एक पेशेंट को सेम दवा नहीं होती है, डॉक्टर से पूछ के आप अपनी दवा लेंगे। उसमें दो तरह की दवा आती है, एक होती है क्विक रिलीफ या दूसरी होती है लॉन्ग टर्म कंट्रोल। क्विक रिलीफ वाली मेडिसिन ज़्यादातर ब्रोंको डायलेटर होती हैं, जो सांस की नलियाँ खोलती हैं, जैसा कि हमने बताया। उसमें आपके एस्थालीन जैसी दवाएं होती हैं, जो कि आपको साल्बुटामॉल, एस्थालीन जो आप पंप से लेते हैं, नेबुलाइज से लेते हैं, उससे वो खुल जाती है। इंजेक्टेबल से डेरिफाइलिन या फिर अमाइनोफाइलिन, ऐसी दवाएं होती है। और लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो मेडिसिन होती हैं, वो होती हैं आपकी डेली लेने वाली दवाइयाँ, जैसे कि ब्यूटोसोनाइड, फॉर्मेटरोल, स्टीरॉयड इंजेक्शन, स्टीरॉयड मेडिकेशन। और उनसे क्या होता है कि आपको अस्थमा के अटैक नहीं आते हैं। अगेन, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए आपको रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा डॉक्टर के पास। अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो आपको डॉक्टर के साथ काम करना होगा, अपने ट्रिगर पहचानने होंगे, तभी आप इसके साथ एक हेल्दी, सक्सेसफुली, ओके लाइफ जी पाएंगे। राइट, याद रखिए, एस्थमा इज नॉट अ क्यूरेबल डिजीज, इट इज अ मैनेजेबल डिजीज। एस्थमा इज अ ओवर सेंसिटिविटी। जैसे अगर आपकी स्किन ओवर सेंसिटिव है सन से, तो गर्मी से, पसीने से, किसी चीज से, तो वो ओवर सेंसिटिविटी पूरी तरह खत्म नहीं की जा सकती है, उसको कंट्रोल करके जिया जा सकता है। वैसे ही अस्थमा अगर आपको है तो जेनेटिकली है, जी हाँ, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपकी जीन्स डिटरमाइन करती है, प्लस आपकी हेल्दी लिविंग कंडीशंस डिटरमाइन करती है। अगर एक जेनेटिकली डिटरमाइंड एस्थमाटिक पेशेंट एक अच्छे हिल स्टेशन में जाके रह रहा है, जहां पे कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई एलर्जन नहीं है, उसको एलर्जी करने वाली चीज नहीं है, तो वो हेल्दी लाइफ जिएगा, वेरी सिंपल एज अ पिंपल। राइट, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, पूरी तरह जीरो खत्म नहीं हो जाएगा। अगर उसने 50 साल भी वहां पे अच्छे हिल स्टेशन में जाके जी लिया, लेकिन वापस वो फिर जब शहर में आएगा, बरसन, वो शहर में आने के बाद उसको फिर डस्ट से और जो भी उसका एलर्जन है उससे एलर्जी, एस्थमेटिक अटैक होगा। तो ये है एस्थमा। इस्थमा के साथ जीना मुश्किल नहीं है, समझना आसान है, टेस्ट आसान है, ट्रीटमेंट आसान है। डॉक्टर रेस्पिरेटरी से फिजिशियन होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। मेक श्योर टू शेयर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मेक श्योर टू आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई ट्राई टू आंसर देम एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।